हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हो बच्चों आप? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला, किसी कंपाउंड को कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये कंपाउंड इस एलिमेंट से बना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसा कि अभी हमने सीखा कि कंपाउंड जो होता है, पिछली क्लास में ये सीखा हमने कि कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से अधिक एटम मिल करके बनाते हैं अलग अलग एलिमेंट के। तो इस तरीके से कंपाउंड जो बनता है उसमें तरह तरह के एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो मिल करके केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी सब मिला जुला के एक उसका कंपोजिशन होता है पूरा। जैसे H2O हमने कहा, तो H2O में ये बात कहा था कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम मिल करके और क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसलिए हमने उसको H2O लिखा। H2O जो हुआ वो है केमिकल फॉर्मूला। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल करके एक फॉर्मूला, एक कंपाउंड बनाते हैं और H2O उसका फॉर्मूला है। इसको कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। इसी तरह से अगर CaCO3 की बात करें तो इसमें ये पता चलेगा कि एक कैल्शियम, एक कार्बन और ऑक्सीजन के तीन एटम मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं। यानी केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपोजिशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल फॉर्मूला है क्या। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? सो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज दिस केमिकल फॉर्मूला, राइट? सो केमिकल फॉर्मूला इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन दैट कंपाउंड, राइट? ये तो केमिकल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर H2O कहते हैं तो इसे क्या पता चलता है कि ये कंपोजिशन ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन राइट? ओके। सिमिलरली if someone say that CaCO3 is a composition of one atom of calcium, one atom of carbon and three atoms of oxygen, right? So this is what chemical formula. So representation of this type, that is called chemical formula, right? I hope you got it. What is chemical formula? Okay, now the question arises that why they combine together, right? This is what one thing. So question is that why elements combine together? Each atom will get stability if their outermost orbit has 8 electron or 2 electron. 2 electron in case of only hydrogen, but all other elements they must have 8 electrons. So that is called octet. जिसके outermost orbit में 8 electron होंगे वो stable माना जाता है, उसकी stability रहती है।
तो टू ऐसे एटम्स एक दूसरे की तलाश में रहते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम या 8 से ज्यादा है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करने की या उसके अपोजिट गेन करने की एबिलिटी रखता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कहें कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा 1 इलेक्ट्रॉन है जो बाहर चक्कर काट रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको डुएट चाहिए, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन के नज़दीक में हीलियम है जो इनर्ट गैस है, तो इसलिए उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन इसको चाहिए, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये लोगों से कंबाइन करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करता है। इसी तरह से सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा करेगा, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम करना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो 1 लूज करना इसे ज्यादा आसान लगता है रेदर देन 7 गेन करना, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसकी टेंडेंसी है तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी वो कही जाएगी +1। क्या कही जाएगी? +1। इसी तरह से क्लोरीन जो है उसके 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इस पे 1 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कही जाएगी -1। यानी -1 रिप्रेजेंट ये कि इसकी लेने की टेंडेंसी कितनी है, इसकी देने की टेंडेंसी कितनी है। देने की टेंडेंसी को प्लस वैलेंसी कहा जाएगा, लेने की टेंडेंसी को माइनस में कहा जाएगा। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए वैलेंसी जो होगी वो पॉजिटिव या निगेटिव होगी, अगर आधे से ज्यादा है तो वैलेंसी निगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 725, इसको 5 है आउटर मोस्ट में, आधे से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 लेने की जरूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? -3, ठीक है ना। इसी तरह से एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283, चूंकि 3 है आधे से कम है तो ये लूज करने की टेंडेंसी होगी, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी +3। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी एबिलिटी होगी गेन करने की या लूज करने की वो उसकी वैलेंसी कही जाएगी। वैलेंसी जो होता है वो एटम को पकड़ने कॉम्बिनेशन में काम आता है, तो जितनी वैलेंसी होगी उतनी तेजी से वो पकड़ पाएगा, यानी ये समझिए कि वैलेंसी जो होती है एटम की वो हाथ पैर होते हैं, जो दूसरे के हाथ से जैसे आप दूसरे को पकड़ते हो वैसे ही एटम्स की ये वैलेंसी जो होती है ये कंबाइन करने की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से दूसरे एटम को ये टाइटली पकड़ के रखता है या कंबाइन करता है। तो इस तरह से वैलेंसी समझना जरूरी है, और ये दोनों चूंकि इसको 1 देना है और इसको 1 लेना है तो ये दोनों मिल करके बहुत हैप्पीली कंबाइन करेंगे और इन्होंने एक कंपाउंड बना दिया NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से जो होगा वो अलग अलग, इस तरह से जो होगा वो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, जिसकी जरूरत देने की होती है वो देता है, जिसकी जरूरत लेने की होती है वो लेता है। एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे ये कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है बच्चों, और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगा 2882, यानी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 लूज करने की टेंडेंसी है, इसलिए इसकी वैलेंसी Ca++ लिखते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या इसकी वैलेंसी +2 कही जाएगी। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होगा, इसको 2 चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन का 2
अगर लेता है इलेक्ट्रॉन तो इस पे दो माइनस चार्ज हो जाएंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी माइनस टू कही जाएगी। दो ये यहाँ पे दे दें अगर, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस तरह से ये दोनों मिल करके आपस में समझौता करके और एक कंपाउंड बनाएंगे CaO, इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इनको दो देने की जरूरत है, इनको दो लेने की जरूरत है, इसलिए इन्होंने बना लिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब दो अगर ना मिले, दो देने वाले ना मिले तो क्या करे कैल्शियम, तो ऐसे लोगों का इंतजाम, ऐसे एटम का इंतजाम करेगा जो दो नहीं एक देने के लिए तैयार हो, और ऐसे दो लोगों को इंतजाम, दो एटम का इंतजाम कर लेगा। जैसे कहूं कि कैल्शियम को दो चाहिए, ठीक है, कैल्शियम को दो चाहिए, दो देना है, और क्लोरीन जो है उनको दो लेना है, एक लेना है, तो क्लोरीन का होता है 287, एक क्लोरीन को एक दे देगा, एक दूसरा क्लोरीन होगा उसको भी एक दे देगा, तो दोनों को, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है इनको एक दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इनके दूसरे जैसे, इन्हीं के जैसा एक दूसरा क्लोरीन है उसको दे देगा, और फिर एक कैल्शियम और दो क्लोरीन मिलकर के एक कंपाउंड बनाएंगे जिसको कहेंगे CaCl2, और इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड बनते इसीलिए हैं ताकि उनके ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड क्यों बनता है जी, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बनता है। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये CaCl2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक कैल्शियम है और दो क्लोरीन है, तो इसलिए हमने लिखा CaCl2। Cl जो है वो दो है, कैल्शियम जो है वो एक है, यहाँ पे एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, इसलिए CaO लिखते हैं। तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ये इसी बात को फॉर्मूला लिखने के लिए ऐसे कह देते हैं कि फॉर्मूला अगर आपको लिखनी है तो ये देखिए, एक CA लिखिए और Cl लिखिए। Cl की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, जैसा कि यहाँ आपने देखा कि कैल्शियम की 2 होती है, पीछे बताया था कि Cl का क्या होता है 287, इस पे एक इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम Cl माइनस कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी 1 है, प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, 1 और 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से फॉर्मूला बन के आता है, Ca में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Cl में 2 से, तो ये CaCl2 हो जाता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा अगर बात है तो आपने CaO को क्यों नहीं किया, ऑक्साइड की वैलेंसी भी 2 है, कैल्शियम की भी 2 है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि 2 से इधर मल्टीप्लाई करते, 2 से इधर मल्टीप्लाई करते और कंपाउंड बनाते Ca2O2, ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे O2 लिखने का मतलब ये होगा कि दो ऑक्सीजन के एटम चाहिए और दो क्लोरीन के एटम चाहिए, कैल्शियम के एटम चाहिए, जबकि ये बात गलत है। यहाँ एक ही कैल्शियम एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आए, जब वैलेंसी बराबर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको कैंसिल कर देना चाहिए। ये कैंसिल हो गए, ये जो है वो दो दो कैंसिल हो गए और इसकी जरूरत नहीं है और ये CaO बन गया। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन के आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि कैसे ये कंबाइंड होते हैं, और फॉर्मूला लिखने के लिए जब इस तरह से फॉर्मूला लिखने का ये तरीका है तो आपको सब एलिमेंट्स का वैलेंसी याद होना चाहिए। तो आइए पहले कुछ वैलेंसी की बात करते हैं, याद करते हैं उसे, और उसके बाद आगे की बात करेंगे कि कैसे फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी, एलिमेंट्स और वैलेंसी, राइट ना, ये आपको याद रखना है, एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी कैसे होंगी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किसकी कितनी वैलेंसी होती है। ये जैसे हमने सोडियम की बात की थी, तो सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर, इनकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। ये कुछ प्रोमिनेंट हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है, आप +1 कह सकते हैं।
इनकी एन ए प्लस के प्लस ए जी प्लस यू प्लस, इसका मतलब है कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, इसी तरह से यानी कटायंस हैं। इसी तरह से कुछ एनायन होंगे जिनकी वैलेंसी हम याद कर सकते हैं कि जिनकी किनकी वैलेंसी 1 होती है, वो भी देखते हैं। एलिमेंट एंड वैलेंसी, ठीक है। हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी एच माइनस, माइनस 1 इनकी होती है हाइड्राइड। क्लोराइड, क्लोराइड ये सी एल माइनस। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड बी आर माइनस। आयोडाइड, आयोडाइड राइट ना, इसमें आई माइनस। तो इस तरीके से इनकी वैलेंसी माइनस 1, ये क्या है, एनायंस है। देखिए ये बना है हाइड्राइड्स, और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एच प्लस होता है, यानी हाइड्रोजन एच जो होता है इसकी वैलेंसी प्लस 1 होती है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी रखता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी रखता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकि ड्यूएट पूरा हो तो इसको हाइड्राइड कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जब टेंडेंसी हो तो इसको हम कटायंस के फॉर्म में भी कहते हैं, एच प्लस आयन बनाता है। तो इस तरीके से ये जो है इनकी वैलेंसी 1 है, इन्हें आप याद रखें। इस तरह से फ्लोराइड जो होगा उसकी भी माइनस 1 होगी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, यानी एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 होती है। आप सीधे हम प्लस 2 या माइनस 2 लिख सकते हैं, एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी, आप समझ में आ रही है आपको, एलिमेंट्स और वैलेंसी, ठीक है। जैसे कैल्शियम, अभी हमने किया था कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस 2। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस 2, कॉपर इनकी भी प्लस 2 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कॉपर की तो अभी आपने प्लस 1 बताया, फिर कॉपर की माइनस 1 प्लस 2 क्यों बता रहे हैं। ये होता है अस में, क्यूप्रस अगर ऐसा बनेगा तो वैलेंसी 1 होगी, और क्यूप्रिक इक बनेगा तो इसकी वैलेंसी होगी प्लस 2। तो डिपेंड करता है कि बन क्या रहा है, कंपाउंड कैसा बन रहा है। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस में प्लस 1 होगा, क्यूप्रिक में प्लस 2 होगा, ऐसा बनता है, ठीक है। इसी तरह से आयरन का अस में होगा तो होगा प्लस 2, और इक में होगा तो होगा प्लस 3, ठीक है। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, ठीक है, इन सब की वैलेंसी जो होती है वो प्लस 2 होती है। इसी तरह से अब जो एनायंस है उनमें, उनमें क्या होगा, तो उनमें एलिमेंट्स और वैलेंसी। उनमें ऑक्साइड, ऑक्साइड जो होता है ओ माइनस माइनस, माइनस 2 ऑक्साइड का ओ माइनस माइनस यानी माइनस 2। सल्फाइड, सल्फाइड ये होता है एस माइनस माइनस, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे बोले या ऑक्साइड बोले तो ये माइनस 2 माइनस इसकी वैलेंसी होती है। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड जब हमने कहा था, इसका प्लस उसका माइनस 2 दोनों क्या हो गए, वैनिस, और हमने लिख दिया था कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 हो, जैसे एलिमेंट्स मान लीजिए कि हम कहें कि एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 3 हो तो 3 वैलेंसी वाले कौन कौन से, और वैलेंसी एल्युमिनियम जैसे अभी हमने किया था, इसकी वैलेंसी प्लस 3 होती है। आयरन जिसकी अभी हमने बात की थी इक में, वो भी प्लस 3 होता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से कटायंस ये हैं, एल्युमिनियम और आयरन जिनकी वैलेंसी। इस तरह में नेगेटिव की बात करें तो नाइट्राइड्स जो होता है, नाइट्राइड याद रखें, इसकी वैल्यू माइनस 3 होती है, नाइट्राइड, नाइट्राइड ये माइनस 3 होती है, तो ये है एनायंस। इसके अलावा पोली एटॉमिक आयंस होते हैं, पोली एटॉमिक आयंस, जैसे हमने आपको सिखाया है कि पोली एटॉमिक क्या होता है, मोर देन वन ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्जेज। पोली एटॉमिक आयंस उनकी भी कुछ वैलेंसी हमें याद रखना चाहिए, और उसको याद रखेंगे तो आगे हमें मदद मिलेगी। तो कैसे, एक कटायन है NH4 प्लस, यानी प्लस 1 होती है इसकी। इसी तरह से हम अगर बात करें तो एनायंस की, ठीक है, इसी तरह से हम अगर एनायंस की बात करें तो एनायंस में आएगा हाइड्राइड, हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड ये भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ठीक है, OH माइनस। नाइट्रेट, OH माइनस, नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3, ठीक है, माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट
हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट इसको कहते हैं HCO3- इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट, सल्फेट SO4 इसकी भी -2, सल्फाइट, सल्फाइट ये होता है SO3 इसकी भी -2 ही होती है। और प्लस -3 वाले एक और एलिमेंट्स हैं जिसको कहते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फेट PO4 इसकी होती है -3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे PO4 तो ये होगा PO4, ऐसे लिखते हैं -3। ये सब याद अगर रखेंगे तो आपको आसानी से फॉर्मूला लिखने में मदद मिलेगी और फॉर्मूला आप लिख पाएंगे। अगर नहीं याद रहेगा तो आप जानते हैं क्या करेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, राइट, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स लिखेंगे और एलिमेंट्स दोनों लिख देंगे, फिर उनकी वैलेंसी लिखेंगे। जैसा कि हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसकी दो तो ये कैंसिल हो गए और बन गया हमारे पास CaO। इसी तरह से NaCl की बात करें, NaCl इसकी 1 इसकी 1 तो ये भी कैंसिल हो गए और बन गया क्या, NaCl। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। MgO इसकी भी 2 इसकी भी 2 तो ये क्या हो गया, ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके नाम हो गए, ये है नाम क्या, कैल्शियम, कैल्शियम और O का नाम क्या है, ऑक्साइड, तो इसलिए पूरा नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, सोडियम Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड नाम हो गया। Mg का मतलब मैग्नीशियम, तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, O का मतलब ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा कैंसिल होने वाला नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि ये कैंसिल नहीं होंगे, ये डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करने पड़े। जैसे Ca और Cl लिखना है तो इसमें क्या होगा, इसकी वैलेंसी 2 है इसकी 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा CaCl2, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि हमने लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये है Al और ये है Cl, इसकी 3 है इसकी 1 है, तो क्या होगा AlCl3, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और भी हमें बनाना हो, जैसे सोडियम ऑक्साइड बनाना है, सोडियम का ऑक्साइड के साथ बनाना है, तो इसकी है 1 और इसकी है 2, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na2O, ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि फेरिक ऑक्साइड बनाना हो FeO, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी है 3 ईक में और इसकी 2 है, तो क्या बनेगा Fe2O3, इस तरह से। तो ये हो गया नाम फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, ये तो जानते ही हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अभी इसकी कितनी बार चर्चा हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का जो है उसकी एटम्स के जरिए कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसका नॉमिनेशन कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं उसका कि कैसा बनेगा और क्यों बनेगा। लेकिन ये तभी यह होगा जब आपको ये सारा चीज याद होगा कि किसका क्या होगा। अब मान लीजिए कुछ और पॉलीएटॉमिक का करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे NH4Cl, NH4Cl इसकी भी 1 इसकी भी 1 तो कैंसिल हो गए,
क्या बन गया? NH4Cl। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये नाम हो गया। तो इस तरीके से अब देखिए दूसरा लिख लेते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का लिखना है, HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वन है, इसकी वन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको लिखना है सोडियम नाइट्रेट, Na और NO3, नाइट्रेट भी वन होता है, ये भी वन होता है, तो क्या बन जाएगा? NaNO3, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का Ca और हाइड्रोक्साइड OH होता है, इसकी वन होती है, इसकी टू होती है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? CaOH2, OH होल ट्वाइस, दो से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली, राइट ना। इसी तरह से कुछ और कहूँ, सोडियम कार्बोनेट हमें लिखना है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हमें लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे बताओ? तो आप अब लिखोगे सोडियम के बदले Na, कार्बोनेट के बदले CO3, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी होती है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड कैसा बनेगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम सल्फेट लिखना है, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट, तो आपको पता है कि अमोनियम किसको कहते हैं? NH4 को, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? NH4+1 वैलेंसी होती है। सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अमोनियम सल्फेट ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 से और ये इधर 1 से, तो क्या होगा? NH4 SO4 ये हो गया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, राइट ना, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं तरह तरह के कंपाउंड और उनके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपको ये सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है ना। अगर ये याद नहीं होंगे वैलेंसी तो आपको लिखने में दिक्कत होगी। रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला लिखा है तो उसका नाम भी दे सकते हैं, और अगर कोई ये नाम दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए एक और आपकी टेस्टिंग के लिए लिख लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब बताइए आप कैसे लिखेंगे, लिखोगे? जरा लिख के दिखाओ मुझे, कैसे लिखोगे आप एल्युमिनियम ऑक्साइड? तो एल्युमिनियम का क्या लिखेंगे बच्चों? Al, ऑक्साइड का O, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, इसकी कितनी होती है? 2, तो क्या करेंगे? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला क्या बोलना चाहिए? Al2O3, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको जो हमने सिखाया ये कैसे फॉर्मूला लिख पाएंगे और फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका होना चाहिए ये आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, आज ही और जा कर के घर पर जैसे आप पहुँचोगे तो आप पहुँच करके वहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले वैलेंसी याद करोगे और याद करके कई बार लिखोगे, अगर लिखोगे नहीं तो ये बात याद नहीं रहेगी, इसलिए कई बार उसको लिखना पड़ता है और लिखने के बाद वो सारा मेमोराइज हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। कई बार ऐसा लगेगा कि याद नहीं भी है, फिर भी वो याद आ जाएगा, और याद आ जाएगा तो आप आसानी से उसके आधार पर आप ये सारा चीज़ लिख सकते हैं और किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट ना, ओके। अब आज बात करते हैं कि मोलेकुलर मास क्या है, अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि मोलेकुलर मास क्या है। तो मोलेकुलर मास इज द टोटल मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल, टोटल मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल, यानी एक मोलिक्यूल में कई सारे एटम होते हैं
उन सबका अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाए और टोटल सम किया जाए उनका, तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। यानी डेफिनेशन के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास के लिए ये डेफिनेशन ठीक रहेगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये सबको जो प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल इट इज डिनोटेड बाय, ये किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, दैट इज ए एम यू, बट नाउ ए डेज दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय यू ओनली, शॉर्ट में, जैसे ब्रदर को ब्रो कह रहे हैं ना शॉर्ट में, उसी तरह से एम यू को भी यू कहते हैं, और यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये कहूं कि मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ H2O निकालना है हमें, H2O। तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसका हमें मोलेकुलर मास निकालना है, और ये इसका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। वैसे ही परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मास मोस्टली आपको दिया रहता है एग्जाम में और कहीं पर भी, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन आपको याद होने चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हुआ मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होगा मोलिकुलर मास। तो एक एटम का हाइड्रोजन का मास कितना होता है जी, एंड देयर फोर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ 2 एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, दो हाइड्रोजन एटम का 1+1, और एक ऑक्सीजन का 16, इसलिए क्या हो गया 18, और क्या लिखेंगे U, या 1 × 2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मोलिकुलर मास क्या हो गया 18U, अगर ग्राम में एक्सप्रेस करें तो लिखेंगे 18 ग्राम। सो अगर मान लीजिए किसी ने कहा आपको कि मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, तो एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अब इसे कैसे निकालेंगे, CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है, ये आपको दिया रहेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 एटम है इसलिए 2 बार या तो 16 प्लस करें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 12 + 32 इज इक्वल टू 44U। इसी तरह से अगर कोई कह दे आपको कि कैलकुलेट करें मोलेकुलर मास ऑफ CaCO3, मोलेकुलर मास ऑफ, मास ऑफ CaCO3 राइट इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसमें मोलेकुलर मास क्या होगा, मास ऑफ कैल्शियम Ca प्लस मास ऑफ कार्बन C प्लस मास ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, 48 + 12 = 60, 60 + 40 = 100, सो 100U हो गया, यूनिफाइड मास हो गया, ये हो गया मोलिकुलर मास।
तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी एटम का कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करने के लिए, उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का को टोटल सम करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए डेफिनेशन क्या हो गई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ टोटल मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, राइट। ये है कि जितने भी उसमें एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबका सम करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना। समझ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। नाउ एक नेक्स्ट टर्म होता है जिसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, यानी ऐसे कंपाउंड जो चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, जो आयंस को कंटेन करते हैं, उनको हम कहते हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर मास होगी उसको हम कहते हैं, एक नया नाम दे दिया है फॉर्मूला यूनिट मास। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें आयंस होते हैं, जैसे NaCl, उसमें आयंस होता है, तो उसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा कि NaCl में Na जो एक एटम है उसका एक मास, एटॉमिक मास, और क्लोरीन का एटॉमिक मास, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो कुछ नया नहीं है, एक नाम नया दे दिया गया है, और इसलिए नाम नया दिया गया है क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो चूंकि चार्ज पार्टिकल है इसलिए हम इसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये डेफिनेशन है। और इसमें जैसे सोडियम का हम कहें NaCl का कैलकुलेट करना था, तो फॉर्मूला यूनिट मास टोटल मास ऑफ एटम्स इन कंपाउंड कंटेंट, एंड ये NaCl है तो इसमें सोडियम का मास और क्लोरीन का मास हमने प्लस कर दिया। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, और दोनों मिलके 58.5। इसी तरह से कोई और जैसे मान लीजिए CaCl2 का कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए, ये हमने लिखा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। सो कैलकुलेशन, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन, ये दोनों को लेंगे, यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ टू एटम ऑफ क्लोरीन, दैट यू नीड टू राइट हियर। सो 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का 35.5 होता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 71 हो जाएगा, 40 प्लस 71 इज 111U। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया उसी तरह से फॉर्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको अलग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस कंपाउंड में आयंस होते हैं, इस कंपाउंड में आयंस होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और अब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन एक आपसे एक गुजारिश है कि आज आप घर जा करके पूरे वैलेंसी को याद करोगे, अगर याद नहीं करोगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और इसलिए दिक्कत से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उस फॉर्मूले को और वैलेंसी को याद रखें, कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले को भी याद रखें, कुछ कॉमन एटॉमिक मास अगर हो सके तो उसे भी याद रख लो, ये अच्छा रहेगा। वैसे तो ये एग्जाम में दिया रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि किसका एटॉमिक मास कितना है, लेकिन फिर भी कुछ अगर कॉमन एलिमेंट्स का आपको याद रहे तो अच्छा है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमें मेल कर सकते हैं arvindsinghacademy@gmail.com। कुछ और आपको बेहतर मटेरियल की तलाश में आप हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.arvindsinghacademy.com पे विजिट कर सकते हैं। और इस तरह से मन मुस्कुराते रहिए, मज़े में रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, और अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।